कैसे हो मेरे भाइयों, मेरा नाम है सारथग। तो हमें क्या करना है, तो जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वो पीछे वाला जो डेटा है वो उसमें नहीं रहता, जिसके वजह से रैम फ्री हो जाती है। पर हमारे गेम्स में क्या होता है, प्लेयर जब भी आगे बढ़ता है तब वो पीछे वाले जो कॉलम्स है, ब्लॉक्स है, क्यूब्स है, वो वैसे ही रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करते हैं। और मेरा एप्लीकेशन मोबाइल्स के लिए है स्पेसिफिकली, तो मोबाइल्स के लिए ये काफ़ी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है सब ऑब्जेक्ट्स को एक रैम में रखना। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्लेयर आगे बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे से ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर देगा पीछे वाले, और प्लेयर को हम ज़्यादा पीछे आने नहीं देंगे, जिसके वजह से वो रैम फ्री हो जाएगी। तो प्रिटी सिंपल है इसका लॉजिक। अगर प्लेयर यहाँ पर है तो हमें इस पूरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी। प्लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। अब इस क्यूब को प्लेयर पर शिफ्ट कर दीजिए और वहाँ से पीछे बहुत, और इसकी वाई और उसकी एक्स एक्सिस बढ़ा दीजिए, जिससे कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस क्यूब पर अटैक मतलब कोलाइड करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। हमें चाहिए सबसे पहले इसको एक स्क्रिप्ट जो कि प्लेयर को फॉलो करेगा। तो ये डायरेक्ट पैरेंट मत कर दीजिए, वरना वो दिखा रहा हूँ आपको क्या होगा, उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी और वो आगे का डेटा भी डिलीट कर देगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए यहाँ पर का डेटा, सिर्फ पीछे वाला डेटा ही डिलीट होना चाहिए। तो क्या करना है, इसको बाहर लीजिए, इसको रीनेम कर दीजिए ऑब्जेक्ट स्ट्रो ऑब्जेक्ट्स, सॉरी डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स, इस पर एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे हम, जिससे कि वो प्लेयर को फॉलो करेगा। तो वो मेरी स्क्रिप्ट मैंने बनाई है, बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है, आप देख लीजिए एक बार। हम यहाँ पर दो गेम ऑब्जेक्ट लेंगे, एक गेम ऑब्जेक्ट लेंगे प्लेयर और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, फिर पब्लिक इंट रेंज, और ये सब मैंने ब्रैकेट से सीखा है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो वेक्टर 3.desired position इक्वल्स टू target.position, तो ये ऑटोमेटिकली प्लेयर के पोजीशन पर जाता है, और जितनी भी रेंज हम रखेंगे उतने रेंज पर वो स्टैटिक रहता है, चेंज नहीं होता। तो प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए और टारगेट में भी प्लेयर, अब देखिए क्या होता है, ये प्लेयर के पोजीशन पर स्नैप हो जाएगा। तो हमें एक डिस्टेंस रखना है -10 z से, यहाँ से -10, देखिए अब वो वहाँ से फॉलो करेगा, पर मुझे -10 भी नहीं, मुझे -15 चाहिए, क्योंकि फ्रेम से बाहर जाएगा। देखिए अब जब भी ये ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे और इस ट्रिगर में आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। नॉइस और बढ़ा देता हूँ एक्चुअली, और इस पर अब ये क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। इस बॉक्स कलेडर ओपन कर दीजिए, फिर यहाँ पर इस ट्रिगर होगा उसे ऑन कर दीजिए। अब ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है पर एक ट्रिगर है, मतलब एक वॉल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को बस कोलाइड करती है और उनका डेटा ले लेती है। तो ये देखिए, अब हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स डिलीट करेंगे, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स उसके रेंज में आएंगे उसको वो डिलीट करेगा। तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट बनाई है डिस्ट्रो ऑब्जेक्ट फ्रीयर, ये बहुत ही इजी स्क्रिप्ट है, आपको लगेगा एक बॉक्स कोलाइडर,
फिर उसमें ये ट्रिगर, और हर ट्रिगर को एक्टिव करने के लिए आपको लगेगा रिजिड बॉडी। आप रिजिड बॉडी यूज़ करिए, फिर उसका यूज़ ग्रेविटी टर्न ऑफ। अब स्क्रिप्ट में क्या है, वर्ड ऑन ट्रिगर एंटर कोलाइडर अदर, ये नाम आप जैसे कहें वैसे ही कॉपी कर दीजिए, वरना वो वर्क नहीं करेगा। अब इफ़ दिखाता हूँ मैं आपको, इफ़ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट का साइन है, ये इज नॉट इक्वल टू प्लेयर, तो डिस्ट्रॉय अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो ये जो कोई भी प्लेयर के अलावा जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स उस पर कोलाइड करेंगे उसको वो डिलीट कर देगा। सिंपल, ये मैंने ऊपर बनाई है, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट उसके टैग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें आएगा ऑटोमेटिक डिलीट, और उसकी रैम फ्री हो जाएगी। सिंपल, ठीक है, प्रीटी इजी। अब हम गेम जब खेलते हैं तब वो प्लेयर पीछे आता है लेकिन यहाँ से गिर सकता है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक और एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है जो कि स्टैंडर्ड रहेगा प्लेयर के साथ। तो क्रिएट, फिर से प्लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट क्यूब, और इस क्यूब को हम प्लेयर के एग्जैक्ट पीछे रखेंगे। ये मैं नाम दूंगा इस प्लेयर को, डोंट लेट प्लेयर फॉल, ये नाम है बस। अब इसको क्या करेंगे, और एक स्क्रिप्ट अटैच करेंगे डोंट लेट प्लेयर फॉल करके। ये बहुत ही इजी स्क्रिप्ट है, सिमिलर टू हमारी ऑब्जेक्ट रिस्टोर की स्क्रिप्ट है, वैसे ही ये वर्क करती है। प्लेयर को लेती है, उसकी रेंज लेती है, और उसको एक सर्टन रेंज पर अटैच करके रखता है। पर इसमें खासियत है कि इफ़ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस और उसका ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन कमट प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू रेंज, मतलब ये रेंज के प्लेयर रेंज के बाहर है तभी वो फॉलो करेगा, और अगर वो प्लेयर रेंज के बाहर नहीं है नहीं करेगा फॉलो, मतलब ये स्टैटिक रहेगा। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे, ये भी बड़ा रख दीजिए क्योंकि मेरा मैप चेंज हो जाता है थोड़ा। इसकी पोजीशन अभी डजेंट मैटर हमें। अब इसको हम डिस्ट्रो ऑब्जेक्ट की जो स्क्रिप्ट है -15 उसको हम -10 कर देंगे। अब वो देखिए, सॉरी यहाँ पर प्लेयर ऐड कर दीजिए दोनों जगह, और देखिए फॉलो करेगा। की रेंज रख दीजिए 15, नो नॉट 15, इलेवन रख दीजिए उसकी रेंज। अब वो प्रॉपरली फॉलो करेगा और प्लेयर को पीछे गिरने नहीं देगा। सिंपल, अब इसका मेश रेंडरर ऑफ और इसका भी मेश रेंडरर ऑफ। तो यह है रैम फ्री करने का सिंपल आंसर।
मोबाइल पर हैवी लोड नहीं लाता, इट इज़ प्रिटी जस्ट लाइक दैट। ये आपको अगर इनविजिबल करना है, आई मीन लाइक ये प्लेयर देख सकते हैं, खेलने वाला ये देख सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड है। सिंपल, इसकी हम डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट में रेंज रखेंगे 15, आई गेस 15 शुड वर्क, लेट्स सी। नो 30, ये -30 कर दीजिए, अब वर्क करेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ये देखिए डेटा अभी भी उधर ही है। हम देख सकते हैं कि पीछे ऑब्जेक्ट स्टिल है, तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये कहाँ पर गायब हो गए हैं। देखिए अब अगर हम गेम व्यू से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स डिलीटेड है, रैम फ्री हो जाएगी। इजी। ये सब जो पीछे जो मैप था वो अनवांटेड था। तो गाइस ये है सिंपल टेक्निक खेलने के लिए और आपके गेम्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपको फिर मिलूँगा, बाय।